मेरे यारो, इस बकरीद पर अपने प्यारे नबी के सुन्नत ज़रूर अदा करना। मेरे यारो, इस बकरीद पर अपने प्यारे नबी की सुन्नत अदा ज़रूर करना, क्योंकि चाहे कितने बड़े दुश्मन क्यों हो ना हमारा, उसे भी सीने से लगा कर माफ़ कर देना। बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। सो हे हेलो वर्ड्स ऑफ गाइज, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे। सो आगे हूँ एक और नई वीडियो एडिटिंग के साथ, और ये जो है एक फेस्टिवल पे होने वाला है, तो आपने प्रीव्यू देख के पता चल गया होगा। सो गाइज यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड मैं बताना चाहता हूँ आपको डाउनलोड कैसे करना प्रोजेक्ट को, तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जाके इजली से डाउनलोड कर सकते हो। सो डाउनलोड भी आप कर लोगे। एंड गाइज यार, जब प्रोजेक्ट को इम्पोर्ट करोगे बिटमार्क एंड शेक इफेक्ट, तो बट उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि आप क्या करें, पहले फ़ॉन्ट को इम्पोर्ट करें, देन आपको प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करना है, ताकि आपको फॉन्ट इशू करके कोई इशू ना आए, क्योंकि हम यहां से आपको लाइरिस लिख के दे रहे हैं, ठीक है? तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आपने अपने फोटोज को लगाना है, वीडियो को बना लेना। सो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपको लाइट मोशन को ओपन करना है, बट उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ हर वीडियो में गाइस यार, तो इस वीडियो में भी ऑफकोर्स करूंगा कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार है, तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बट डिसलाइक भी कर सकते हो। सो जो मर्जी करके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आपको गाइस यहाँ पे लाइट मोशन को ओपन करना है, एंड प्लस के राइट से प्रोजेक्ट के ऑप्शन में जाना, एंड पहले आपको बिटमार्क प्रोजेक्ट कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा, देख से कुछ इस टाइप से होगा। एंड गाइस यार, यहाँ पे आपको जो लाइक्स वीडियो देखने को मिल जाएंगे, एंड यहाँ पे आपको बस एक बैकग्राउंड में इफेक्ट को लगाना है, एंड आपका वीडियो बन जाएगा, ठीक है गाइस? एंड यहाँ पे फोटोज वगैरह इंपोर्ट करना, सो उसके लिए आपको सबसे पहले स्लाइड करके आगे की ओर चले जाना कुछ इस वाले ड्यूरेशन पे, एंड देन गाइस यहाँ से लेकर एंडिंग तक आपको सबसे पहले फोटोज को लगाना है, एंड ये एक्स्ट्रा लेयर तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो एंडिंग तक आपको फोटोज आपको इंपोर्ट करना। सो कैसे करना, इस वाले ड्यूरेशन में आ जाना, एंड देन प्लस वाले ऑप्शन में टैप करना, मीडिया के ऑप्शन में जाना, और ये सारे फोटोज गाइस इंपोर्ट कर रहा हूं मैं। अगर आप इसी इन फोटोज पे बनाना चाहते हो, तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, जहां पे मैं एचडी क्वालिटी में आपको सारे फोटोज प्रोवाइड करता हूं, एंड प्रीव्यू में भी दे देता हूं किसी किसी वीडियोस। सो गाइस यार, यहां पे आपको सबसे पहले यहां पे फोटो को सिलेक्ट करना, तो फोटो सिलेक्ट किया, थिएटर पे टैप करके फील कंपोजिशन एरिया, अगले बिटमार्क पे जाके इस वाले ऑप्शन पे टैप करके कट करेंगे, फिर से प्लस पे टैप करेंगे, एंड यहां से नेक्स्ट फोटो को लेंगे, अगले बिटमार्क पे जाके इस वाले ऑप्शन पे टैप करके कट करेंगे, देन फिर से प्लस पे टैप करेंगे मीडिया के ऑप्शन में, एंड देन गाइस अगले इमेज को सिलेक्ट करना, थिएटर पे टैप करके फील कंपोजिशन एरिया, अगले बिटमार्क पे जाके इस वाले ऑप्शन पे टैप करके कट करना। सो इसी टाइप से गाइस आप सभी फोटोज को इंपोर्ट कर लें। सो गाइस यार, यहाँ पे मैंने फोटोज़ को जो इंपोर्ट कर लिया, एंड फोटोज इंपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इफेक्ट लगाना। सो उसके लिए आपको इस वाले प्रोजेक्ट से बैक जाना, एंड इफेक्ट वाले को ओपन करोगे तो इस टाइप से देखने को मिलेगा आपको। तो सबसे पहले ओवरले वीडियो को कॉपी करना है, जो लेयर है उसको कॉपी करना है, एंड यहाँ से बैक जाना है, एंड आपको बिटमार्क में जाके और यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, एंड यहाँ से आपको स्लाइड करके गाइस यहाँ पे नीचे को आ जाना, एंड नीचे को लाना सारे लाइरिस के नीचे को, एंड लाइरिस तक ले आना इसको, ठीक है? तो इसके ड्यूरेशन को भी हम बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे आ गए, देन स्लाइड करके आगे की ओर चले जाते हैं, एंड यहाँ पे हम कुछ इस टाइप से आगे चले जाते हैं और कुछ इस वाले ड्यूरेशन पे आ जाएंगे, एंड यहाँ पे इस पे टैप करेंगे, स्पीड वाले आइकन पे टैप करना, इस वाले ऑप्शन पे टैप करके उसको यहाँ तक लेना। सो फाइनली यहाँ पे जो आ गया गाइज, एंड उसके बाद आपको गाइज इस वाले प्रोजेक्ट से बैक जाना, एंड यहाँ पे इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को वापस से ऑन करना है, एंड यहाँ पे गाइज आपको क्या करना है, पहले इसको ऑफ कर लेते हो, ये वाला जो इमेज है फर्स्ट वाला, सो उस पर टैप करना, इफेक्ट के ऑप्शन में थ्री डॉट पे जाके कॉपी करना, इस वाले प्रोजेक्ट से बैक जाना, एंड सॉन्ग बिटमार्क वाले को ओपन करना है गाइज, एंड यहाँ पे आपको स्लाइड करके आगे की ओर चले जाना, एंड यहाँ पे जो ये वाला ना इमेज वाला, सो उस पे आप टैप कर इफेक्ट के ऑप्शन में थ्री डॉट पे जाके पेस्ट, एंड देन एक इमेज को छोड़ देना, अगले पे पेस्ट करना। सो पेस्ट करने आपको आते हैं, एंड गाइस देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा, एंड यहां पे जो देख सकते हो गाइस, यहां पे जो ये जो इमेज है उसके पीछे बैक ब्लैक कलर का आ रहा है, सो उसके लिए आपको इसको थोड़ा सा जूम कर लेना, एंड ये ठीक हो जाएगा, देख सकते हो ब्लैक नहीं आ रहा, ठीक है? एंड देन आपको स्लाइड उस टाइप से जूम करना है, इस पे पेस्ट करना है, सारे इमेज पे एक इमेज छोड़ के एक इमेज पे पेस्ट करें, एंड आपका जो वीडियो बन जाएगा। सो पहला इफेक्ट हमारा जो पेस्ट हो गया, देन आप सेकेंड वाले इफेक्ट को सेम तरीके से पेस्ट करना। सो यहाँ पे इसको कॉपी किया, एंड कॉपी करने का सिंपल ट्रिक, आपको इफेक्ट के ऑप्शन में जाना, एंड थिएटर पे जाकर कॉपी करना, एंड पेस्ट करने के लिए गाइस आपको स्लाइड करके आगे की ओर जा रहा हूं मैं, एंड यहाँ पे इमेज पे आपको
टैप करना जिन पे आप कोई इफेक्ट लगाना, इफेक्ट का ऑप्शन में 3 डॉट पे जाके पेस्ट, एंड देन एक इमेज को छोड़ देना, देन अगले पे पेस्ट करना, एंड इसी टैप से गाइस आपको लास्ट तक कर लेना। देन गाइस आपको इस वाले प्रोजेक्ट से बैक देना, इफेक्ट वाले को ओपन करना, एंड यहाँ पे 4 लेयर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो इफेक्ट के 4 लेयर हैं, ऊपर एक टेक्स्ट इफेक्ट है, तो उन सबको कॉपी करता हूँ, एंड इस वाले प्रोजेक्ट से बैक जाना, एंड यहाँ पे चले जाना बिटमर्क वाले में, एंड देन गाइस स्लाइड करके आगे की ओर चले जाना, एंड यहाँ पे आपको चले जाना कुछ जहाँ से आपका फोटोज इंपोर्ट होता है उस वाले डिशन तक आ जाना, एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना। अगर आपको ये वाला जो इफेक्ट है ना, जो चारों लेयर्स में, आप स्टार्टिंग से भी रख सकते हो अगर आपको अच्छा लगता हो तो। मैं यहाँ फोटोज पे लगा रहा हूँ बस। तो यहाँ पे हम सभी को पहले कुछ इस टाइप से करेंगे, ये चारों लेयर को पहले करेंगे, तो चारों लेयर को सिलेक्ट करेंगे, इस वाले ऑप्शन पर टैप करके इसको यहाँ तक ले आएंगे, एंड देन जब इफेक्ट के बारी होगा, मतलब कि टेक्स्ट का बारी होगा, उस पर टैप करना, और यहाँ पे सेटिंग के जो ये स्पीड वाला आइकन इस पर टैप करेंगे, इस वाले ऑप्शन पर टैप करके उसके यहाँ तक ले आएंगे। सो फाइनली हमारे जब वीडियो बन के देख सकते तैयार हो गया गाइस। सो इसी टाइप से वीडियो को बना लेना, एक्सपोर्ट करने के लिए सेटिंग के रहे माइक्रोसॉफ्ट पे टैप करना, वीडियो पे टैप करना, एंड एक्सपोर्ट पे टैप करोगे तो इसी फाइल में एक्सपोर्ट होकर आ जाएगा। सो गाइस यार कैसे लिए गए आज के वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, जो भी हमारे चैनल पर नहीं है ये पहली बार आते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो मैं तो किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अब देखें।